वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं मेकअप के मामले में और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते हैं, तो आपके मेकअप बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मेकअप बॉक्स में क्या आप अपने CTM जो भी रूटीन है CTM का वो फॉलो करने के बाद आप अपने फेस में कोई भी क्रीम लगाइए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको जो भी क्रीम सूट करे सबसे पहले वो क्रीम लगा लीजिए। आपके मेकअप बॉक्स में क्रीम होनी चाहिए। देन सेकेंड होना चाहिए आपके पास ये है प्राइमर, लैक्मे एब्सोल्यूट प्राइमर है, ये बहुत अच्छा होता है। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी प्राइमर आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो। थर्ड की आपके पास होना चाहिए एक फाउंडेशन जो आपकी स्किन के टाइप से हो, आपकी स्किन के कलर से सूट करता हो। तो मेरे पास फिट मी फाउंडेशन 115 इसका जो है कोड है, नंबर है, तो आप ये भी ले सकते हो, बहुत अच्छा है। देन उसके बाद प्राइमर अगर आपको लगाना है तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूरी है। तो ये मेरे पास एक ब्यूटी ब्लेंडर है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है तो थोड़ा सा डर्टी है, बट आप एक ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट करके तब इसको यूज़ करिएगा ना, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। देन उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक कंसीलर। तो मेरे पास ये इस ब्रांड का कंसीलर है, ये भी बहुत अच्छा। मैं जितने भी ब्रांड दिखा रही हूँ वो बहुत अच्छे हैं, हर स्किन टाइप के लिए है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं सूट कर रहा है, या आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। देन आपके पास होना चाहिए एक स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे आपके पास होना चाहिए। फेसेस कैनेडा का है, ये भी अगेन बहुत अच्छा है, तो आप ये यूज़ कर सकते। तो मैं इसको स्पेशली इसको खोल के मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा सेट कर देता है, आपके मेकअप को फिक्स कर देता है। तो आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो, ये हर स्किन टाइप के लिए है, सूटेबल है। तो जब आपने ये सब लगा लिया ना, तो लास्ट में आप मेकअप जो ये इसको आप लास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक। अब उसके बाद ये वेट एंड वाइट का छोटू सा क्यूट सा आई शेडो, मैं इसको भी ओपन करके आपको दिखा रही हूँ, सॉरी, बहुत प्यारा सा है। अब ये फॉर बिगिनर्स के लिए, ठीक है, अगर आपको कुछ भी मेकअप नहीं आता है तो ये देखिए सिंपल आप बस इसको लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। आपको कोई भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर रखिएगा अपने पास में अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो। देन उसके बाद ये इनका आईलाइनर है, स्केच आईलाइनर है, आप चाहो तो स्केच वाला यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप वाला यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए मेरे पास बहुत सारे लाइनर हैं, आप इस टाइप से भी ले सकते हो। देन अगर आपको नहीं है तो आप स्केच वाला भी ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है ये स्केच वाला। और ये अब मेरे पास कुछ डिफरेंट शेड्स के हैं, तो डिफरेंट शेड्स भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और ये भी मेरे पास एक आईलाइनर ही है, ये देखिए, ठीक है। तो ये पे मेरे पास कुछ डिफरेंट शेड्स के, मतलब डिफरेंट आईलाइनर है, तो आप चाहो तो अपनी किट में इस टाइप से भी रख सकते हो इसको। देन उसके बाद ये है मेरे पास आईब्रो फिलर, आईब्रो को फिल करने के लिए ये आईब्रो पेंसिल है, इस टाइप से आप ले सकते हो। अगर आपके आईब्रो थिन है तो आप ज़रूर इसका यूज़ करिए, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अब उसके बाद बारी आती है हमारे आईज के काजल की एंड मस्कारा की। अब आपको मैं दिखाने वाली हूँ सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, ये मार्स का 3-in-1 पैलेट है, जिसमें है आपके पास इन दो शेड से आप कॉन्टोरिंग कर सकते हो, इन दो शेड से आप हाइलाइट्स कर सकते हो, और इन चार शेड से आपके जो ब्लशर है ना उसका काम करता है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा पैलेट है, इसका मैं रिव्यू आपको नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जब आप ये सब कर लो ना, तो उसके बाद ये जो फेस पाउडर है आप उसका यूज़ करिएगा, जब फुल मेकअप हो जाए ना, तो इस फेस पाउडर को अपने आई के एरिया पे छोड़ करके पूरे, और लिप्स के एरिया पे छोड़ करके पूरे फेस पे आप इसको लगा लीजिएगा। अब उसके बाद ये है आई कलर है, तो आप ना ये मतलब ये ऑप्शनल है, आप अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। तो एक बार मस्कारा लगाने के पहले आप करोगे, और एक बार मस्कारा लगाने के बाद अपनी आईज जो आई लैशेज है उसको कर्ल करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ क्या है। नेक्स्ट बारी आती है हमारी लिप्स के लिए, तो लिप्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई भी लिप क्रियॉन, लिप शेड जो भी है आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास है 5-in-1 वाला शेड है, ये भी बहुत अच्छा आता है, ये हिलारी रोडा का है,
तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी है तो आप उसे ले सकते हो। ये सब जितने प्रोडक्ट मैंने दिखाए हैं वो सब परचेज किए हैं मोस्टली नाइका से और purple.com से, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने प्रोडक्ट भी अपने मेकअप किट में रख सकते हो। अब मैं कुछ एडिशनल प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ जो कि आपके मेकअप किट में ज़रूरी मतलब रख सकते हो। तो ये है कुछ पेंस जो ज़रूरी होती है, और ये है कुछ बिंदियाँ जो आप गर्ल्स के लिए अलग है और वुमेंस के लिए अलग है, मतलब छोटी बड़ी हर शेड की आती हैं। ये देखिए छोटी छोटी गर्ल्स के लिए हैं, तो वो आप बिंदियाँ भी रख सकते हो। और उसके बाद रख सकते हो आप कुछ वेट टिश्यूज़ रख सकते हो। तो मेरे पास दो ब्रांड के, दोनों ब्रांड अच्छे हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी ब्रांड का। ये छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं जो कि इजीली कन्वीनियंट होते हैं आपको कैरी करने के लिए। देन ये है हमारा ये नेल पॉलिश रिमूवर है जो कि कलर बार का है, बहुत अच्छा है। एक बार में ही ना जो इसकी शीट्स होती हैं तो वो एक बार में आपके नेल्स को क्लीन कर देंगे अच्छे से। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कैसे होते हैं ये। ये देखिए कुछ इस तरीके की शीट्स होती है ना, ये इस तरीके की। तो एक शीट आपने निकाली और यूज़ करी, मतलब ये देखिए एक शीट निकाली यूज़ करी और उसके बाद उसको आपने यूज़ एंड थ्रो वाली शीट्स हैं ये, तो आप इसका भी ऐड कर सकते हो अपनी किट में। और उसके बाद लास्ट में बारी आती है डीओ की, आप कोई भी अपने फ्रेग्रेंस जो भी आपको अच्छी लगे आप वो डीओ इसमें ऐड कर सकते हो अपनी मेकअप किट में। तो ये सब हैं हमारे मेकअप किट के प्रोडक्ट हैं जो कि आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, शेयर करिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि आप कमेंट ज़रूर करिए कि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।